नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं महामाया मंदिर के बारे में। छत्तीसगढ़ में स्थित रतनपुर का महामाया मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ बैठी माँ महामाया देवी के आशीर्वाद से ही हर संकट दूर हो जाता है। कुंवारी लड़कियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। लोगों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से 25 किलोमीटर पर स्थित आदिशक्ति माँ महामाया देवी की पवित्र पौराणिक नगरी रतनपुर का इतिहास प्राचीन एवं गौरवशाली है। त्रिपुरी के कलचूरियों की एक शाखा ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाकर दीर्घकाल तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। राजा रतनदेव ने मणिपुर नामक गाँव को रतनपुर नाम देकर अपनी राजधानी बनाया। श्री आदिशक्ति माँ महामाया देवी मंदिर का निर्माण राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था। 1045वीं ई में राजा रत्नदेव प्रथम ने मणिपुर नामक गांव में रात्रि विश्राम एक वट वृक्ष पर किया। बताया जाता है कि अर्धरात्रि में जब राजा की आंख खुली तब उन्होंने वट वृक्ष के नीचे अलौकिक प्रकाश देखा। यह देखकर चमत्कृत हो गए कि वहां आदिशक्ति की महामाया देवी की सभा लगी हुई है। इतना देखकर वे अपनी चेतना खो बैठे। सुबह होने पर वे अपनी राजधानी तुमान खोल लौट गए और रतनपुर को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। 1050वीं ई में श्री महामाया देवी का भव्य मंदिर निर्मित कराया। महामाया शक्तिपीठ में दर्शन का अपना एक अलग ही महत्व है। यहाँ भगवान सती के अंग तथा आभूषण की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त यहाँ श्रद्धा पूर्वक भगवती महामाया के साथ साथ भोलेनाथ के लिंग की पूजा करता है, वे इस लोक में सारे सुखों को भोग कर शिवलोक में जगह प्राप्त करता है। वैसे तो साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन माँ महामाया देवी मंदिर के लिए नवरात्रों में मुख्य उत्सव विशेष पूजा अर्चना एवं देवी के अभिषेक का आयोजन भी किया जाता है। माना जाता है कि सती की मृत्यु से व्यथित भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में भटकते रहे। इस समय माता के अंग जहाँ जहाँ गिरे वही शक्तिपीठ बन गए। इन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ रूप से मान्यता मिली। महामाया मंदिर में माता का दाहिना स्कंध गिरा था। भगवान शिव ने स्वयं आविर्भूत होकर उसे कौमरी शक्तिपीठ का नाम दिया था, इसलिए इस स्थल को माता के 51 शक्तिपीठों में शामिल किया गया है। यहाँ प्रातःकाल से देर रात तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है। माना जाता है कि नवरात्र में यहाँ की पूजा निष्फल नहीं जाती है। नागर शैली में बने मंदिर का मंडप 11 स्तंभों पर टिका है। भव्य गर्भगृह में माँ महामाया की 3.5 फीट ऊंची दुर्लभ प्रस्तर प्रतिमा स्थापित है। मान्यताओं के अनुसार माँ की प्रतिमा के पृष्ठ भाग में माँ सरस्वती की प्रतिमा है, जो विलुप्त मानी जाती है। राज्यकाल में आदिकाल से शिवोपासना के साथ साथ देवी उपासना भी प्रचलित थी। शक्ति स्वरूपा में भवानी यहाँ की अधिसात्री है। यहाँ के सामंतों, राजा महाराजाओं, जमींदारों आदि की कुल देवी के रूप में प्रतिष्ठित आज श्रद्धा के केंद्र बिंदु है। छत्तीसगढ़ में देवियाँ अनेक रूपों में विराजमान है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ इन स्थलों को शक्तिपीठ की मान्यता देने लगी है। प्राचीन काल में देवी के मंदिरों में जवारा बोई जाती थी और अखंड ज्योति कलश प्रज्वलित की जाती थी, जो आज भी अनवरत जारी है। ग्रामीणों द्वारा माता सेवा और ब्राह्मणों द्वारा दुर्गा सप्तमी का पाठ और भजन आदि की जाती है। श्रद्धा के प्रतीक इन स्थलों में सुख शांति और समृद्धि के लिए बलि दिए जाने की परंपरा है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें।